बरेली में निर्वाचन अधिकारी की चलती कार में लगी आग, कार जलकर हुई राख, बाल बाल बचे आरओ। आंवला के ग्राम मजगवा ब्लॉक का है मामला। बरेली में कोविड 19 से सतर्क और सावधानियों को लेकर लगातार जारी है अभियान। पुराना शहर के इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर किए गए वितरण। बरेली में महिला वोट को लेकर दो पक्षों में विवाद। क्यारा गांव की है घटना जिसमें पुलिस ने खदेड़ा दोनों पक्षों को। बरेली में छत से गिरकर हुई युवक की मौत। परिजनों ने दोस्त पर छत से गिराने का लगाया आरोप, वहीं आरोपी हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। सर ये था, मेरा भाई कल बोट डालने के लिए झारसंडा डेयरी पर काम करता था। बोट डालने के लिए मेरे घर आया, 8 बजे के लगभग उसका घर आया और 9 बजे उसका दोस्त उसे बुला ले गया घर से शाम को। बरेली में जनपद रामपुर में हो रहे तीसरे चरण के पंचायती चुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने हेतु श्री अविनाश चंद्र अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जॉन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोटल करीब 55 जोन बनाए गए हैं, 27 सेक्टर कुल मिलाकर के राधा से सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। फिरोजाबाद के तहसील टूला एसडीएम बुशरा बानो ने होटल पर छापामार की कार्रवाई। वैष्णो धाम व जेआरजे होटल में मिले काफी लड़के लड़कियां, होटल संचालक मौके से फरार। संबल के बहजोई कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में बने हुए अध्वनि शस्त्र के साथ उपकरण भी बरामद किए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। चंदौली में तीसरे चरण के पंचायती चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन फगुनिया गांव के बीडीसी प्रत्याशी पति राकेश कुमार को चुनावी रंजिश के बाद प्रतिवाद में विपक्षियों द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। युवक राकेश कुमार के सर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी है। राकेश कुमार उस समय वाराणसी में रोटी बैंक चलाने वाले युवा समाज सेवी कमल किशोर तिवारी की हुई अचानक मौत। कोविड काल में अनाज बांटने पर पीएम मोदी ने भी कमल किशोर की थी तारीफ। गरीबों में अनाज खाना बांटने को लेकर थे खास चर्चित। एटा में नवरात्रि पर्व पर कोविड काल के दौरान शेरावाली मां दुर्गा ने भी पहना मास्क। कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने और बचाव हेतु मास्क पहनने की अनिवार्यता बताने के लिए एटा मंदिर में भगवान ने भी पहना मास्क। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।